गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यू। डेली करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यू को हमने डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और उसे याद रखिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको नीचे के एक टेलीग्राम चैनल में फ्री में मिल जाएगा। ये रहे पहला क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साहित्य उत्सव फेस्टिवल। ये लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम 11 मार्च टू 16 मार्च एट व्हिच प्लेस। कौन सी प्लेस में ये साहित्य उत्सव फेस्टिवल, ये लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा था 11 मार्च टू 16 मार्च, ये कौन सी प्लेस में हो रहा था? ये है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में हो रहा था। मतलब ये साहित्य उत्सव फेस्टिवल जो कि लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल 11 मार्च टू 16 मार्च हो रहा था। याद रखिएगा 70 ईयर्स की साहित्य एकेडमिक ये हो रहा था, जो कि लैंग्वेज आपको पूछे तो 175 लैंग्वेज में प्रेजेंट की गई है, जो कि 70 ईयर की साहित्य एकेडमिक 175 लैंग्वेज के साथ ये प्रेजेंट की गई है। एंड ये 11 मार्च टू 16 मार्च जो कि न्यू दिल्ली में ये फेस्टिवल लिटरेचर फेस्टिवल ऑब्जर्व करी गई थी। एंड इसमें जो चीफ गेस्ट है जो कि प्रतिभा रॉय। एंड उनकी एक फेमस बुक जो रहे वो है याज्ञसेनी। उनकी एक फेमस बुक और भी एक बुक रहे वो है सिटाडल ऑफ लव एंड द प्रिमल लैंड उनकी बुक है। एंड ये याज्ञसेनी जो है ना, ये बुक के लिए उन्हें 2011 में ज्ञानपीठ अवार्ड दी गई है 2011 में। सो याद रखिएगा, बस साहित्य उत्सव फेस्टिवल ये लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करी गई है न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं आगे नंबर टू, हु ओन द फर्स्ट इंडियन ज्ञानपीठ अवार्ड। फर्स्ट इंडियन ज्ञानपीठ अवार्ड पूछे तो आपको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड पूछे तो ये है जी शंकरा कुरुप जो कि एक मलयालम राइटर है, मलयालम लैंग्वेज की राइटर है जी शंकरा कुरुप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड याद रखिए उन्हें जो दी गई थी ये है 1965 में उनके एक पोएम रहे, उनकी पोएम यहाँ भी रहे, ये पोएम उनकी पोएम जो कि ओडा कुजल और बाम्बो फ्लूट के लिए उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दी गई थी। याद रखिएगा उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि 1965 में दी गई थी, जो कि द बाम्बो फ्लूट के लिए, यानी ओडा कुजल। याद रखिएगा। एंड ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि 23 लैंग्वेज में दी जाती है, मतलब अभी तक जो ज्ञानपीठ अवार्ड दी जा रहा है 23 लैंग्वेज पर ही दी जा रहा है, याद रखिएगा। एंड जो ऑप्शन ए पे देख रहे हैं ना, गोपीनाथ मोहंती, जो कि ये फर्स्ट ओडिया राइटर जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड अचीव की है। कौन सी ईयर में आपको पूछे तो ये है 1973 में, जो कि गोपीनाथ मोहंती ये अचीव की है, जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि ओडिया राइटर अचीव की है 1973 में। एंड उनके जो बुक है ना, ये कौन सी बुक के लिए उन्हें ज्ञानपीठ दी गई है गोपीनाथ मोहंती को, ये है, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, ये है माटी मट्टल के लिए उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दी गई है गोपीनाथ मोहंती को। एंड जी शंकर कुरुप आपको पूछे तो ये फर्स्ट इंडियन ज्ञानपीठ अवार्ड है। बढ़ते हैं आगे नंबर थ्री, इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोज हाउ मच परसेंटेज इन जनवरी 2024 अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के मुताबिक एक रिलीज करी गई है, जो कि 2024 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो ग्रो की है कितनी की परसेंटेज
कितनी की परसेंट, जो कि जनवरी 2024 में अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये है 3.8%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 3.8%। ये जनवरी मंथ की है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर फोर, हु हैज बीन नॉमिनेटेड, हु हैज बीन नॉमिनेट टू द राज्यसभा बाय द करेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। हु हैज बीन नॉमिनेट टू द राज्यसभा, राज्यसभा को जो कि नॉमिनेट की गई है किससे, करंट प्रेसिडेंट के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये है सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुधा मूर्ति। एंड ये जो ऑप्शन ऑप्शन ए पे जो देख रहे हो, मेलानोक्लेमेंस द्रौपदी, ये जो कि जो इंडिया की जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रहे, उन्होंने डिस्कवर की थी एक स्लॉज डिस्कवर की थी ZSI के द्वारा, मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये डिस्कवर करी गई थी स्लॉज। इसका नाम द्रौपदी मुर्मू नाम से रिलेटेड रहे, मेलानोक्लेमेंस द्रौपदी, हमने डिस्कस की थी इसके बारे ना, डिस्कवर करी गई है जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड ये जो आशीष चौक से देख रहे हो, आशीष चौक से, ऑप्शन सी पर जो आशीष चौक से, ये मतलब राइटफॉल की जो था 50 मीटर की राइटफॉल में टॉप पर रहे उन्होंने, थ्री पोजीशन राइटफॉल में जो 50 मीटर टॉप पर रहे उन्होंने आशीष चौक से। एंड अश्विनी वैष्णव, ये तो आपको पता ही होगा, ये यूनियन मिनिस्टर मतलब रेलवे मिनिस्टर है ये, जो कि IAS ऑफिसर, याद रखिएगा। एंड ये जो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की जो बने हैं सुधा मूर्ति ने, राज्यसभा एक अपर हाउस होती है, अपर हाउस। एंड लोअर हाउस आपको पूछे तो ये है लोकसभा, याद रखिएगा। एंड राज्यसभा में कितने के मेंबर रहे, याद रखिएगा, राज्यसभा में 250 मेंबर रहे, 250 मेंबर में से 238 जो कि इलेक्टेड मेंबर होती है, एंड 12 मेंबर जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट करवाई जाती है, 12 मेंबर को, एंड 238 इलेक्टेड मेंबर है, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं आगे। नंबर फाइव, अकॉर्डिंग टू स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बॉडी IQAir, विच कंट्री इज द थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये जो राज्यसभा के बारे में हमने जो डिस्कस की, जो पहले से क्वेश्चन में, जो राज्यसभा में 250 मेंबर रहे, बट अभी के टाइम में राज्यसभा में 250 मेंबर नहीं, 243 मेंबर रहे, अभी के टाइम में 243 मेंबर है, याद रखिएगा। एंड सो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, अकॉर्डिंग टू स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बॉडी IQAir, विच कंट्री इज द थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये है इंडिया, इंडिया जो कि थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड ओवर में जो कि ये थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है इंडिया। एंड टॉप की बात करें तो टॉप की वो है बांग्लादेश, टॉप पर है बांग्लादेश, सेकेंड ये है पाकिस्तान, सेकेंड पर पाकिस्तान है रहे। एंड ये जो IQAir इंडेक्स, जो IQAir के द्वारा रिलीज करी गई है स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बॉडी के द्वारा, ये टोटल 134 कंट्री में से जो कि इंडिया का रैंक थर्ड पर रहे, याद रखिएगा। एंड इंडिया की मतलब इंडिया की बात करें तो इंडिया की यहाँ पे रहे जो PM 2.5 कंसेंट्रेशन, ये जो PM 2.5 कंसेंट्रेशन, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हमने डिस्कस करेंगे। PM 2.5 कंसेंट्रेशन ऑफ 54.4 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक, इंडिया की मतलब ये जो PM का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर, जो कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 कंसेंट्रेशन में से 54.4 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर रहे। पाकिस्तान की बात करें तो 73.7 माइक्रो पर क्यूबिक रहे, एंड बांग्लादेश की 79.9 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक रहे, याद रखिएगा। टॉप पर रहे वो है बांग्लादेश, सेकंड पर पाकिस्तान, एंड देन इंडिया। सो और याद रखिएगा, मतलब ये 2023 की रिपोर्ट है, मतलब 2024 की अभी तक चल रहा है, 2023 की रिपोर्ट ये पब्लिश करवाया गया है IQAir इंडेक्स के द्वारा। एंड और एक बता दूँ, 2022 में ये इंडिया का रैंक जो है, इंडिया जो कि 8th पर था,
और ये 2023 में जो कि ये थर्ड पर पहुंच गया है एंड टॉप पर बांग्लादेश। एंड सो याद रखिएगा, बढ़ते हैं आगे। नंबर सिक्स, विच कंट्री इज द टॉप पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQAR। अभी हमने डिस्कस की, अकॉर्डिंग टू IQAR के मुताबिक सबसे जो पोल्यूटेड कंट्री वो है बांग्लादेश। ऑप्शन ए सही होगा, बांग्लादेश। सो एंड बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो वो है शेख हसीना। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना एंड इसका कैपिटल है ढाका एंड करेंसी है टाका, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर सेवन, विच सिटी इज़ द टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? यह है बेगूसराय। इंडिया जो कि थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, टॉप फॉर बांग्लादेश एंड सेकेंड फॉर पाकिस्तान। बेगूसराय ये टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया एंड ये बेगूसराय जो कि बिहार में रहे बिहार स्टेट में। एंड बिहार स्टेट की कैपिटल पूछे तो कैपिटल है पटना एंड CM है नीतीश कुमार एंड गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, याद रखिएगा। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एंड कैपिटल कौन सी? यह पटना कैपिटल है, याद रखिएगा। एंड जो बेगूसराय ये जो कि टॉप पर है एंड जो सेकंड पर है वो है गुवाहाटी, जो सी पर है गुवाहाटी ये सेकंड पर रहे। एंड दिल्ली जो कि ये थर्ड पर रहे, ऑप्शन ए पर जो रहे दिल्ली जो कि थर्ड पर रहे। इंडिया जो कि थर्ड पोल्यूटेड सिटी है एंड इंडिया के बाद जो कि ताजिकिस्तान एंड उसके बाद बुरकिना रहे, मतलब पोल्यूटेड के मामले में, कंट्री के मामले में से टॉप पर तो बांग्लादेश, सेकेंड फॉर पाकिस्तान एंड उसके बाद इंडिया एंड ताजिकिस्तान एंड देन बुरकिना। सो बढ़ते हैं आगे। नंबर एट, ये भी रहे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नवनीत कुमार सहगल हज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो ऑप्शन में देख रहा हूँ इनमें से किसके जो कि न जो नवनीत कुमार सहगल ने जो कि बने हैं न्यू चेयरमैन के रूप में अपॉइंटेड की गई है उन्हें, ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रसार भारत की जो कि उन्होंने न्यू चेयरमैन बने, किसने? नवनीत कुमार सहगल ने, बस नाम ही याद रखिएगा। एंड ये जो कि 1988 बैच की IPS ऑफिसर है, 1988 बैच की IPS ऑफिसर है एंड उन्हें जो कि न्यू चेयरमैन के रूप में नियुक्त की गई है प्रसार भारत में, याद रखिएगा। एंड ये जो ऑप्शन डी पे देख रहे हो राहुल सिंह है ना, ये राहुल सिंह जो कि CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो रहे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE की न्यू चेयरमैन के रूप में उन्हें नियुक्त की गई है अभी करेंटली, राहुल सिंह को, नाम ही याद रखना जो ऑप्शन डी पर रहे राहुल सिंह। एंड नवनीत कुमार सहगल जो कि रिसेंटली अपॉइंटेड की गई है जो कि प्रसार भारत में, याद रखिएगा। एंड जो ये जो राहुल सिंह जो कि ये IAS ऑफिसर 1996 बैच की जो कि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की चेयरमैन बने। बढ़ते हैं आगे, ये रहे नंबर नाइन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड द 33rd सरस्वती सम्मान 2023 रिसेंटली। 33rd सरस्वती सम्मान 2023 के रूप में रिसेंटली किसे सिलेक्टेड की गई है? प्रभा वर्मा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रभा वर्मा, ये जो कि 33 संस्करण रहे, याद रखिएगा 33 संस्करण। उनके ये जो प्रभा वर्मा है ना, उनके एक नोबेल रहे वो है रुद्र सात्विकम, उनकी एक मतलब नोबेल रहे इसके लिए जो कि उन्हें सिलेक्टेड की गई 33rd सरस्वती सम्मान 2023 रिसेंटली सिलेक्टेड की गई है। एंड ये जो सिलेक्टेड की जाती है ना किसके द्वारा? एक KK बिरला फाउंडेशन है, कौन सी फाउंडेशन? KK बिरला फाउंडेशन, उनके द्वारा जो कि सिलेक्टेड की जाती है और जो कि प्रभा वर्मा को 33rd सरस्वती सम्मान 2023 के लिए सिलेक्टेड की गई है। एंड उन्होंने जो कि एक ये जो रुद्र सात्विकम उनके एक नोबेल रहे इसके लिए सिलेक्टेड की गई है, KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा सिलेक्ट की जाती है।
एंड उन्होंने केरल से बिलोंग कर रहा है, केरल से, याद रखिएगा। एंड ये जो रुद्र साध्विकम जो कि एक मलयालम लैंग्वेज में लिखी गई है, मलयालम लैंग्वेज में। एंड इसका जो प्राइस है ना, ये जो 33rd जो सरस्वती सम्मान अवार्ड, इसका जो प्राइस है 15 लाख की जो कॉस्ट प्राइस है, इसका जो प्राइस है याद रखिएगा। एंड फर्स्ट टाइम जो दी गई थी ये है 1991 में फर्स्ट टाइम दी गई थी, जो कि फर्स्ट टाइम किससे दी गई थी ये जो सरस्वती सम्मान अवार्ड, ये है हरिवंश राय बच्चन को 1991 में फर्स्ट टाइम दी गई थी सरस्वती सम्मान अवार्ड। एंड ये सिलेक्टेड की जाती है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 10 के क्वेश्चन। तमिलिसाई सुंदरराजन रिसेंटली रिजाइन एंड ही वॉज करेंटली गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट के गवर्नर थे, ये है तमिलनाडु की, ऑप्शन डी सही होगा, तमिलनाडु। एंड उन्होंने भी जो कि तेलंगाना के भी फॉर्मर गवर्नर थे, तेलंगाना की, याद रखिएगा। एंड बात रहे और तेलंगाना के अभी के टाइम में करंट गवर्नर किसने रहे, तेलंगाना के अभी के टाइम में करंट गवर्नर है ये है सीपी राधाकृष्णन, करेंटली बने सीपी राधाकृष्णन करंट गवर्नर है। एंड सीएम है रेवंत रेड्डी। कैपिटल आपको, कैपिटल है हैदराबाद तेलंगाना की। एंड तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की सीएम है एमके स्टालिन, कैपिटल है चेन्नई तमिलनाडु की, याद रखिएगा। एंड ये जो गवर्नर है ना, गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंटेड की जाती है, गवर्नर अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, याद रखिएगा। एंड और आर्टिकल शायद मुझे ये ठीक से याद नहीं, ये 155 आर्टिकल में ये होगा, जो कि ये गवर्नर अपॉइंटमेंट के बारे में, और ये अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। बढ़ते हैं आगे, नंबर 11, हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ए डिस्टिंग्विश्ड पारा आर्चर एंड अर्जुन अवार्ड वॉज अनाउंस्ड एज द नेशनल आइकॉन इन द PWD कैटेगोरी, किसे ये सिलेक्ट की गई है, जो कि अर्जुन अवार्ड के रूप में, ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शीतल देवी जो कि एक पारा आर्चर एंड आर्मलेस आर्चर है, 16 ईयर की ओल्ड आर्मलेस आर्चर, जो कि उन्हें प्रेसिडेंट के हाथों से ये अवार्ड दी गई है, अर्जुन अवार्ड, याद रखिएगा, एक आर्मलेस आर्चर है। सो याद रखिएगा, और ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस की गई ये सभी को याद रखिए। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना, आपकी लाइक बहुत ही हेल्पफुल होती है वीडियो बनाने में। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, और ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जाती है ना बहुत ही कम समय में एंड इम्पोर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को दी जाती है। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, डेली करंट अफेयर एंड इम्पोर्टेंट GK के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।